नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एक एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं में लास्ट सिंचाई कब करें और लास्ट सिंचाई का गेहूं की फसल में क्या महत्व है। ये जानने से पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से लाइक कर लें। खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, अगर कृषि वैज्ञानिकों की माने तो कृषि वैज्ञानिकों का कहना है गेहूं की फसल में लास्ट सिंचाई बालियों में दानों की दूधी अवस्था पर हमें करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये सभी प्रकार की जो भूमि है उसमें उचित नहीं है कि गेहूं में बालियों में दानों की दूधी अवस्था पर करते हैं, तो हमें चिकनी मिट्टी में उस हिसाब से लाभ किसान भाइयों नहीं मिलता है। चिकनी मिट्टी में पानी का भराव अधिक रहने के कारण अगर हम गेहूं में बालियों में दूधी अवस्था पर करते हैं तो वहां हमें लाभ के अनुसार वहां हानि भी किसान भाइयों हो सकती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी का भराव अधिक रहता है, अधिक दिनों तक रहता है। इसके कारण गेहूं भी किसान भाइयों गिर सकता है। तो चिकनी मिट्टी में अगर लास्ट सिंचाई किसान भाइयों आप करना चाहते हैं तो चिकनी मिट्टी में आपको जब आपकी गमोद अवस्था हो उसके बाद 15-20% आपकी बालियां निकलाएं, उस स्टेज पर आप चिकनी मिट्टी में किसान भाइयों लास्ट सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बलुई दोमट और दोमट मिट्टी और रेताली भूमि में आपको कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे बालियों में दानों की दूधी अवस्था हो उस स्टेज पर आप लास्ट सिंचाई किसान भाइयों आप कर सकते हैं, तो वहां पर किसान भाइयों आपको लास्ट सिंचाई का महत्व मिलेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, हम लास्ट सिंचाई के महत्व की जब हम बात करें तो लास्ट सिंचाई का गेहूं की फसल में बहुत ही महत्व है। गेहूं की फसल में अगर लास्ट सिंचाई किसान भाइयों हम समय से कर देते हैं तो गेहूं में दानों का जो खराब होता है वो अच्छा होता है, बालियों में दाने अधिक बनते हैं, जो दाना बनता है वो मोटा बनता है, दाना बसनीक लास्ट सिंचाई से किसान भाइयों बनता है। साथ ही साथ हम लास्ट सिंचाई अगर उचित समय पर कर देते हैं तो गेहूं की पैदावार में भी अंतर आता है। किसान भाइयों, आप ठीक हिसाब से समझ गए होंगे कि गेहूं में लास्ट सिंचाई कौन सी भूमि में किस स्टेज पर करना है। साथ ही साथ किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।